ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास का 19वें दिन का महात्म्य सुनाएंगे। नारद जी कहने लगे कि राजा पृथु कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से शुक्ला द्वितीया तक यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाना चाहिए, इससे अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। उस दिन तिल का तेल, अपमार्ग तथा दूर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात दक्षिण की ओर मुख करके उपसव्य होकर जल में तिल मिलावे और तीन तीन अंजलि से यमाय, धर्मराज, मृत्युव्य, अंधकाय, कालाय, सवभूतश्याय, चित्रगुप्ताय, इन मंत्रों द्वारा यमराज का तर्पण करें। फिर सायकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा के मंदिरों में दीपक जलाएं। रात को श्री लक्ष्मी जी का पूजन करें। यदि कोई शस्त्र से मारा गया हो तो चतुर्दशी को उसके निमित्त भी दीप दान करें, इससे अक्षय फल प्राप्त होता है। फिर कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों को भोजन कराएं, इससे यमपुरी को न जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। गौशाला में दीपक जलाएं, फिर लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगाएं। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान के 12 दिन पहले जागती रहती है। अमावस्या को दिन में बालक, वृद्ध तथा रोगियों को छोड़ अन्य कोई भोजन न करें। सायंकाल में लक्ष्मी जी का पूजन करके तब स्वयं भोजन करें। घर को फूल माला आदि से सजाकर रात्रि को सारे घर में दीप माला करें। घर के सभी स्त्री पुरुष नवे वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि नृत्य गीता ने हर्षोल्लास से बिताएं। रात्रि भर दीपक जलाना चाहिए। इस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती है तथा जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है उसमें बहुत दिनों तक निवास करती है। एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर घर का रूप कूड़ा करकट, सूप या पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन्य धान्य से पूर्ण रहता है। दूसरे दिन गोवर्धन बनाकर बंदी बांधवों सहित पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं, स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करें। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान वर्धन करके गोवर्धन पर्वत का पूजन इसी दिन किया था। सायकाल के समय गौ तथा वृषभ का पूजन करके उनसे अपने तथा परिवार की भरण पोषण व रक्षा के लिए प्रार्थना करें। बलि और उसकी पत्नी विंध्यावली की मूर्ति बनाकर सायकाल के समय पूजन करके दानादि क्रिया करने वाला परिवार सदा सुखी रहता है। इसी के साथ 19वां महात्म संपूर्ण होता है। कार्तिक मास के सभी महात्म को नियमित रूप से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो।